नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, केएल राहुल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इन दिनों एक के बाद एक कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं और एक के बाद एक कई रिकॉर्ड भी बना रहे हैं। जहां अभी तक हमने देखा था कि केएल राहुल आरसीबी से खेल चुके हैं, पंजाब किंग्स से खेल चुके हैं, तो इस साल केएल राहुल ने नई फ्रेंचाइजी ज्वाइन की है जो कि लखनऊ के नाम से है। अब केएल राहुल लखनऊ के कप्तान हैं और पहला मुकाबला भी खेल चुके हैं। बेशक से केएल राहुल का पहला मुकाबला ज़्यादा ठीक नहीं रहा, लेकिन अगले मुकाबले जरूर अच्छे होंगे। इसी बीच केएल राहुल ने खुलासा किया है। केएल राहुल ने बताया कि आखिर उनका नाम राहुल क्यों रखा गया है। दोस्तों, केएल राहुल बोले, मम्मी शाहरुख खान की फैन है इसलिए नाम रखा राहुल, पापा ने बताई कुछ और कहानी। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल इन दिनों आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल रहे हैं। राहुल क्रिकेट की अपनी तैयारियों के साथ साथ अपनी जिंदगी के कई मजेदार किस्से भी बता रहे हैं। उन्होंने अपने नाम को लेकर भी नया खुलासा किया है कि उनकी माँ बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन थी और क्योंकि शाहरुख ने कई फिल्मों में अपना किरदार राहुल नाम से निभाया है, इसलिए माँ ने इससे ही प्रेरित होकर उनका भी नाम राहुल रख दिया था। भारत के उपकप्तान केएल राहुल ने खुलासा किया कि उनकी मां ने उनका नाम राहुल रखा क्योंकि ये नाम बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान द्वारा निभाए गए ऑन स्क्रीन पात्रों से लिया गया था। आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स के इस कप्तान ने अपने नामकरण की एक दिलचस्प कहानी बयां की है जो भारतीय घरों में एक आम नाम है। राहुल ने कहा, मेरे नाम के बारे में मेरी माँ की कहानी ये थी कि वो शाहरुख खान की बहुत बड़ी प्रशंसक थी और 90 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों में राहुल के नाम से अभिनय निभाया था, इसलिए मेरा नाम राहुल रखा गया। 29 वर्षीय बल्लेबाज ने आगे बताया कि ये कहानी पूरी तरह सच नहीं है और माँ ने उनसे झूठ बोला था। उन्होंने कहा, जब मैं उनसे उसी के बारे में पूछा तो मेरी माँ ने कहा, ऐसा कुछ अब कौन परवाह करता है। हालांकि राहुल के पिता के नाम के पीछे एक और कहानी है। LSG कप्तान ने कहा कि उनके पिता सुनील गावस्कर के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं क्योंकि गावस्कर ने अपने बेटे का नाम रोहन रखा था, इसलिए मेरे पिता भी अपने बेटे का नाम रोहन रखना चाहते थे। राहुल ने कहा कि उनके पिता ने रोहन को राहुल के रूप में गलत समझा और उन्हें गलत नाम दिया। तो कुल मिलाकर केएल राहुल ने बताया कि एक्चुअल में उनका नाम केएल राहुल क्यों रखा गया है और इस पर केएल राहुल ने एक बार फिर से प्रशंसकों को कन्फ्यूज कर दिया है। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।